नूह की वारदात को लेकर डीएसपी की हत्या के मामले को लेकर कृष्णपाल गुर्जर की ओर से बयान दिया गया। मनोहर सरकार में अपराधी को पनाह नहीं दी जाती, अपराधी को सजा दिलवाई जाती है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये कहा कि आंखें तो घटना की निंदा हम करते हैं। कृष्णपाल गुर्जर का बयान विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। देखिए, ये विपक्ष कुछ भी कहे, मनोहर जी की सरकार में अपराधी को ना पनाह दी जाती है, उसको सजा दी जाती है, सजा दिलवाई जाती है। सजा देने का काम न्यायालय का है, लेकिन मनोहर जी की सरकार में किसी भी अपराधी को संरक्षण प्राप्त नहीं है। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनके खुद के राज में माफियाओं को संरक्षण था, खान माफिया पैदा हुए थे, पॉलिटिकल लोग थे वो लोग जिनको सरकार का संरक्षण होता था। लेकिन ये दुखद घटना है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार हर तरह से मुजरिमों को पकड़ रही है और उसके लिए सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले उसके लिए प्रयत्नशील है। उसको उस परिवार के प्रति सबकी संवेदना है। एक अच्छे अधिकारी को दिन दहाड़े इस तरह कुचल देना, इसका कोई पक्ष नहीं लेगा, सब इसका निंदा कर रहे हैं। लेकिन आज मनोहर जी की सरकार में कोई खान माफिया नहीं है, किसी खान माफिया को कोई संरक्षण नहीं है। ये वो लोग हैं जो छुट्टा मुट्टा रात में पत्थर तोड़ते हैं, दिन में एक गाड़ी बेच लेते हैं चोरी से, लेकिन उनके खिलाफ भी नियमित रूप से कार्रवाई करती है हरियाणा की सरकार। आप देखिए कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितने जेल भेजे गए हैं, कितनी के ट्रकों को इम्पाउंड किया गया है, ये रोज होता है, लेकिन फिर भी चलता है ये, क्योंकि छोटे मोटे लोग हैं, एक ट्रक तोड़ लिया बेच लिया। तो देखिए, हर चीज के लिए कानून बना है, लेकिन कानून के बाद भी वो चीजें अपराध होते हैं ना।